स्वर्गीय सदरजीत राय स्मृति विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन 17 मार्च को ग्राम सभा मालहनपार के निकट स्थित ग्राउंड पर किया गया, जिसमें वाराणसी, दिल्ली सहित स्पोर्ट्स कॉलेज, रेलवे स्टेडियम के पहलवान शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक अरविंद राय उर्फ बिट्टू राय ने बताया कि यह कुश्ती मिट्टी पर होगी, जिसमें विजयी पहलवान को 35,000 का इनाम दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय पहलवान अरविंद राय उर्फ बिट्टू ने बताया, स्वर्गीय सदरजीत राय स्मृति विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है ग्राम लोनावा में 17 मार्च 2019 दिन रविवार को मालहनपार के पास है। इसमें 100 जोड़ होगा, कम से कम 100 जोड़ पहलवानों का जोड़ किया जाएगा। 100 DLW बनारस, दिल्ली से अयोध्या, गोरखपुर रीजनल है, स्पोर्ट कॉलेज है, शिवाजी व्यायामशाला है, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी भाग लेंगे इसमें, और उस्ताद खलीफाओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा। 35,000 का लास्ट एक पुरस्कार है, जो लास्ट जो सबसे अच्छा होगा वो 35,000 का होगा, और 5,000 से 10,000 के बीच का कम से कम 10-15 जोड़ होगा, हर कुश्ती पे इनाम होगा 2,000-1,500 का इनाम होगा। इस 13वां साल है, इस साल 2006 से मैं कुश्ती करवा रहा हूँ, इस साल 13वां साल है कुश्ती कराने का। एक ही है कि हमारे कम से कम देहात में भी कुश्ती का मान सम्मान बढ़े और बच्चे उसमें प्रोत्साहित हों, ताकि उसमें रुचि ना कुश्ती में। मिट्टी की कुश्ती है, हम खुद अपना अखाड़ा चलाते हैं, 25 से 30 लड़के हमारे अखाड़े पर भी हैं, कुश्ती करते हैं हम लोग, कुछ मिट्टी का ही करा रहे हैं। अब मिट्टी तो राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है, और हो गया ना मिट्टी पर जैसे हाँ, मिट्टी तो राष्ट्रीय स्तर का हो गया, तो इसलिए हम लोग मिट्टी को ही बढ़ावा देने के कारण से हम लोगों के लिए संसाधन की कमी अभी देहात में, और गांव साइड में अभी गद्दे का पूरा व्यवस्था है नहीं, इसलिए हम लोग मिट्टी का ही कुश्ती करवाते हैं। अरविंद राय उर्फ बिट्टू राय,